सो हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे रेड साड़ी एंड चुनरी हॉल। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है ये वीडियो, थोड़ा जल्दी बन जाना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम। दिवाली आ रही है, वेडिंग सीजन आ रहा है और रेड तो एकदम एवरग्रीन वाला कलर है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप खरीद सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको सिर्फ करवा चौथ पे ही रेड पहनना था। अभी शादियाँ भी आ रही हैं, दिवाली भी आ रही है और यूज में आते ही रहता है रेड कलर, बस एक बार शादी होने की देर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यही साड़ी देख लीजिए जो मैंने पहन रखी है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और जितनी भी साड़ी चुनरी जो कुछ भी है ना, सब कुछ 600 रुपये के अंदर, यानी कि 600 रुपये के अंदर। ऑफलाइन ढूंढने जाओगे ना तो मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ मिलने वाला है आपको। अगर आप में बार्गेनिंग की शक्ति है, बहुत ज़्यादा पहचान है, आपको पूरी मार्केट की समझ है, तो भले ढूंढ लाओ, नहीं तो हम जैसे शर्मीले लोगों को तो नहीं मिल पाएगा शायद, क्योंकि मुझे अभी तक मिला भी नहीं है। चलो तो विदाउट एनी डिले मैं दिखाती हूँ। देखो इसका बॉर्डर कितना प्यारा लग रहा है, ये साड़ी का कपड़ा भी बहुत प्यारा है और लुक भी बहुत प्यारा है। जितनी भी मैंने ट्राई ऑन हॉल किए हैं सब ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। फिलहाल मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ कि प्राइस कितना है। और हाँ, जो जो कोई भी साड़ी आपको परचेज करनी हो या फिर चुनरी परचेज करनी हो तो आप ना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी, वहाँ पे जाके क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। और चुनरी स्पेशली मैंने इसलिए मंगाई है, जैसे कि अभी वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा और करवा चौथ भी आ रहा है, और इसमें ना जैसे चुनरी हम ओढ़ते हैं सिर पे, एक परंपरा होती है, शादी में भी आती है दुल्हन के लिए। तो आज के लिए ट्रेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा चल रही है चुनरी, क्योंकि ये मतलब रेडी टू वियर है, इसमें कुछ तामझाम नहीं है परेशान करने वाला, बहुत ही ईजी टू वियर है और बहुत कंफर्ट लेवल पे है। वो भी दिखाऊंगी मैं, पहले मैं इस साड़ी का आपको प्राइस बता देती हूँ। तो इस साड़ी का जो प्राइस है वो है 586, मतलब 586 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है अभी। और उसमें इतनी प्यारी साड़ी 586 रुपये में, सीरियसली गाइस, पता नहीं कहाँ से आई है जो इतनी सस्ती आ गई। नहीं तो इस साड़ी को मोस्टली आराम से ये 1000-1200 रुपये की ऑफलाइन मिल्स बेच सकते हैं, मतलब दुकानदार बेच सकते हैं। तो ये लुक वाइज भी बहुत ही प्यारा कलर है, लाइट वेट है, सबसे बड़ी बात ये है कि लाइट वेट है, ज़्यादा भारी नहीं है और देखने में लगता है कि बहुत मतलब अच्छी लुक दे रही है, एकदम पार्टी वियर और वेडिंग मटेरियल टाइप का लुक दे रही है, लेकिन लाइट वेट है। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी और इसका प्राइस भी एकदम लाइट वेट है। तो नेक्स्ट वाली दिखाती हूँ, नेक्स्ट मैं आपको चुनरी ही दिखाती हूँ, क्योंकि पता नहीं आप लोगों का एक्साइटमेंट हो या ना हो, मेरा एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा है ये चीज़ दिखाने से पहले, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट ट्रेंडिंग में आई है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग में आई है। तो दो चुनरी मंगाई है मैंने, राजस्थानी ओढ़ना चुनर एंड ब्रोच राजस्थानी ओढ़ना चुनर, दोनों राजस्थानी डिज़ाइन में हैं दोनों। और प्राइस बता देती हूँ पहले, एक का प्राइस है 312 रुपये और दूसरी वाली जो बांधनी में है उसका प्राइस है 403 रुपये। तो चलो 403 वाली पहले दिखाती हूँ। तो 403 वाली है ये, इस पे ये ब्रोच बना हुआ मिलता है, प्लेट आपको ऑटो सेटल्ड मिलती है, मतलब आपको प्लेट व्लेट बनाने का कोई झंझट नहीं है। और नीचे का बॉर्डर देखो आप ना, इसको इस तरीके से रख के, अगर आपको इसको इस तरीके से कर लोगे ना, भले ही आपने कितनी भी प्लेन सिंपल साड़ी पहन रखी हो ना, उसमें एकदम ब्राइडल लुक आ जाएगा, लहंगे वाला लुक आ जाएगा। और शादी में जैसे चुनरी आती हैं ससुराल से, तो जिसके किसी के भी घर में शादी हो ना, तो अपनी बहुओं के लिए ये वाली चुनरी जरूर लेना, ताकि उनको ना प्रॉब्लम ना हो। शादी में पूरी रात बैठना पड़ता है, चुनरी इधर जा रही है उधर जा रही है, बहुत भगदड़ सी रहती है। तो ये बहुत सुकून वाली है और इसका कपड़ा है ना इतना सॉफ्ट है कि क्या बताऊँ मैं। बॉर्डर देखो कितना प्यारा है इसका, ऐसे रखना है, एक पिन लगाना है यहाँ पे। और आप अगर आप इसको थोड़ा सा अगर सिंपल छोड़ना चाहते हो तो सिंपल भी छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस बॉर्डर को ऐसे ले जाके, मतलब मल्टीपर्पस, जैसे शादी के बाद आप बहुत आगे तक इसको यूज कर सकते हो। और देखिए इसकी लेंथ भी पूरी फुल है, तो ये मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी। दुल्हन मटेरियल भी है, और जैसे हम लोग चाहें, जैसे मैंने मंगाई है अपने लिए, तो मतलब हमारे लिए भी सही है, प्लेन साड़ी को भी एकदम अलग हटके लहंगे वाला लुक दे देगी ये। दूसरी वाली दिखाती हूँ। सो सेकेंड वन इज ये वाली ना, ये बहुत थोड़ा मतलब मल्टी सा थोड़ा सा कलर हो रहा है, ऑरेंज भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है। और इसका बॉर्डर देखो आप, इसका बॉर्डर कितना प्यारा है, पिंक कलर भी आ रहा है इसमें। और इसका ब्रोच,
इसको भी ऐसे रखना है या तो आप इसको ऐसे छोड़ दो तो भी ये एकदम प्यारा लुक देगी। इसको ऐसे करना मतलब इस तरीके से करना चाहो ना जैसे कि मैंने ऐड कर दिया है तो भी ये एकदम ब्राइडल लुक देगी और लुक चेंज कर देगी पूरा। और दुल्हन के लिए तो ये बेस्ट है ही, जिनके भी घर में शादियां होने वाली हो तो उनको ये सजेस्ट जरूर करना क्योंकि बहुत फायदे की चीज रहेगी। ओके नेक्स्ट वाली दिखाती हूँ मैं आपको साड़ी, बातें कुछ ज्यादा ही हो गई, इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगी, लाइट वेट लगी और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करने वाली चीज लगी, बहुत अच्छा लगा मुझे इसका। नेक्स्ट है हमारी एक और रेड कलर की साड़ी, सीक्वेंस सिल्क साड़ी। ये भाई साहब इतनी हल्की और इतनी प्यारी साड़ी है कि सबके ऊपर ही अच्छी लगेगी। इसमें कलर भी काफी सारे अवेलेबल हैं और इसका अमाउंट है 540 रुपए। इसमें कलर इतने प्यारे प्यारे कलर अवेलेबल हैं, रेड नहीं इसमें पीच, स्काई ब्लू, ऑरेंज, येलो, सी ग्रीन, डार्क ग्रीन, बहुत प्यारे प्यारे कलर अवेलेबल है। अगर आप परचेज करना चाहते हो ना तो बेस्ट एम बेस्ट है ये 540 रुपए में। क्वालिटी इतनी अमेजिंग है कि क्या है बताऊं, मतलब जितनी मैंने ये वीडियो रील वगैरह डाली थी इंस्टाग्राम पे, जितने भी लोग मुझे जानते हैं ना सब लोगों ने तारीफ की थी और लिंक स्पेशली मुझसे मांगी इसकी। तो ये भी बहुत प्यारी है, इसको आप परचेज कर सकते हो, 10/15 out of 10 दूंगी मैं इसको, बहुत प्यारी साड़ी है ये और रिव्यूज भी इसके बहुत अच्छे हैं। ओके नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट वन इज चंपा रेड साड़ी, चंपा नाम ही कुछ इसका ऐसा है। इसका अमाउंट है 480 रुपए। इसमें भी काफी सारे कलर ऑप्शंस हैं और ये प्लेन है और सीक्वेंस में इसमें हल्का सा स्टोनिंग लाइनिंग आ रही है, चुभेगा नहीं और ना वो हटेगा, इस तरीके का इसमें डिजाइन है जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। मुझे ज्यादा तामझाम वाले तड़क मड़क ज्यादा पसंद नहीं आते, शादी की इतनी सारी साड़ियां रखी हुई हैं कि वो ही यूज में नहीं आ पा रही, मुझे लाइट वेट हो और दिखने में हैवी लगे लेकिन लाइट वेट हो, इस तरीके की साड़ी मुझे अच्छी लगती है। तो ये भी बहुत अच्छा लुक आया इसका और इसमें और भी कलर हैं और इसका जो कपड़ा है ना मटेरियल है इतना टिका हुआ है, आप चाहे कैसे भी धो लो कैसे भी सुखा लो कुछ नहीं होने वाला इसका, मतलब हाथ में आते कपड़े पता चल जाता है ना जॉर्जेट जो होता है। और इसमें ब्लाउज पीस वगैरह, ब्लाउज पीस तो खैर सब में ही है और बेंगलोरी सिल्क है इसका जो फैब्रिक, ब्लाउज फैब्रिक है बेंगलोरी सिल्क और जो साड़ी का है, साड़ी तो जॉर्जेट की है, हाँ साड़ी जो जॉर्जेट की है। ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे, लुक वाइज अच्छी थी, अच्छे से मैनेज कर लो पहन लो तो फिर अच्छी ही है। ओके नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट वन, हाँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुझसे बहुत ज्यादा कमेंट में आ रहे थे कि इसका आप रिव्यू करो, सोनाक्षी सिन्हा इंस्पायर्ड। सोनाक्षी सिन्हा अभी शादी हुई है ना, इसी साल तो शादी हुई है, तो उसके जो ब्राइडल लुक में जो साड़ी थी ना उसकी सस्ती सी कॉपी मीशो पे भी आ चुकी है, तो ये उसकी साड़ी, ये वो वाली साड़ी है जो कि मैं आपको इतने सस्ते में ढूंढ के लेके आई हूँ ना, ये तो लाखों की साड़ी पहन रखी होगी लेकिन हम 500 रुपए से भी कम में ढूंढ के लेके आए हैं, सिर्फ 418 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है, सिर्फ 418 रुपए, मैंने इससे भी कम में खरीदी थी जब सेल चल रही थी। तो मतलब हंसी आती है मुझे देख के कि मतलब लाखों की साड़ी पहन रखी है उन्होंने और इसका भी वर्जन आ चुका है वो भी डिट्टो सेम और क्वालिटी में भी कोई इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्राइस बेस्ट है ये। अगर आप 4-5 लुक भी क्रिएट कर लो ना तो भी आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है, उसके बाद आप इसको काफी तरीके से यूज भी कर सकते हो, मतलब खरीद लेना इसको अगर आपको पसंद आ रही है तो, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस के ऊपर भी डिपेंड होता है ना। तो आई थिंक मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाँ तो 4 इसमें साड़ी हैं और 2 चुनरी हैं, सबका हॉल कर दिया है। तो ये सब कुछ ऑल अबाउट रेड से रिलेटेड था, जैसे कि करवा चौथ आ रही है और दिवाली भी आ रही है, दिवाली पे भी न्यूली जो ब्राइड होते हैं रेड पहनना पसंद करते हैं एंड देन उसके बाद वेडिंग सीजन है, मतलब लेडीज ना बहुत सोच समझ के खर्चा करती हैं, अभी करवा चौथ आ रही है करवा चौथ पे खरीद लो फिर उसको दिवाली पे भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, देन उसके बाद वेडिंग सीजन है उसमें भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सो दैट्स वाई रेड वाला सीरीज बहुत हिट जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ भी परचेज करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, टाटा बाय बाय।